जय श्री जी सावित्री दी लखनऊ से हमारे बहुत हसमुख और बहुत अः अनुभवी सह दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ अः श्री माता जी की चमत्कारों के बारे में बात करने के लिए हैं कृपया हमें <laughs> बताएंगे कि आपका आत्म साक्षात्कार कब हुआ कैसे हुआ क्या कहाँ थे आप उस समय हमारा आत्म साक्षात्कार लखनऊ में ही हुआ और जब बाहर थे माँ के पास थे बिल्कुल गुड़गांव में हाँ तो हाँ। नहीं मिला लेकिन जब घर आए लखनऊ तो हमें इसी नवरात्रि पूजा जो चल रहा है अभी तो इसी नवरात्रि पूजा में हमें रिलाइजेशन मिला और इससे पहले हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन था बहुत ज्यादा कि नींद की गोली भी लेनी पड़ती थी मेरे को नींद नहीं आती थी बिल्कुल मतलब कुछ काम नहीं कर पाते थे बहुत ज्यादा तो फिर जब हमें रिलाइजेशन मिला उसके बाद छोटी बेटी हमारी पहले से थी सेज में तो रिलाईजेशन मिलने के बाद हमें महीना भर तो इतना नहीं लेकिन जिस दिन सेंटर जाते थे उस दिन अच्छा लगता था दर्द इतना नहीं होता था और नींद आ जाती थी थोड़ी सी लेकिन धीरे धीरे जब हमने ध्यान करना शुरू किया जब हम रियलाइजेशन लिए तो हम रेगुलर सेंटर अटेंड किए गैप नहीं किया हमने और फूट शो ज्यादा कुछ नए में नहीं आता था केवल गणेश अथर्वशीष पढ़ते थे दोनों हाथ पृथ्वी पर रखकर और धीरे 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 धीरे, धीरे श्री माता जी की कृपा से हमारा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया और अभी मैं बिल्कुल कोई भी दवा नहीं लेती हूँ पहले डॉक्टर बोलते थे जो न्यूरो सर्जन थे बोलते थे कि आप जरूर अगर ऐसे नींद की दवा खाएंगे तो ऊपर चली जाएंगी लेकिन जी की कृपा से रिलाइजेशन लेने के बाद ध्यान ध्यान रेगुलर करने के बाद जितना आता था पहले मेरे को उतना किया और उतने में ही श्री माता जी ने हमको ठीक कर दिया बिल्कुल आज बिल्कुल फिट हूँ माँ की कृपा से और छोटा मोटा सहज का काम भी चल रहा है, घर में भी अपना काम ठीक है वो आप जानते हैं हां <laughs> मम्मी मम्मी पापा बताते बताते थे हमें कैसे आप अपनी बुजुर्ग सासू मां का बहुत पूरा वो हाँ। बिस्तर पे थी और आप सब कुछ हाँ। करते थे और उसके साथ-साथ सहज कार्य भी बहुत सक्रिय हाँ। रूप से करते थे तो बहुत हाँ। अच्छा लगता था हाँ। सुन के क्योंकि एक हाँ। भारतीय महिला का एक हाँ। बहुत सुंदर रूप है कि घर की चीज <laughs> की चीज बच्चों को देखना सब कुछ एक साथ करना हाँ, ये हम हाँ, लोगों के एक हाँ, तरीके से आशीर्वाद है उसके हाँ, बारे में हमें कुछ बताइए कैसे करते थे सब अभी पांच साल मम्मी थी बेड पे समझ लीजिए मतलब कोई भी मेड नहीं तैयार थी उनकी पोटी के लिए कि हाँ तो फिर सहज का भी काम करना था और माँ बाप है तो उनको भी देखना है तो श्री माता जी से प्रे कर देते कि जी आपने कोऑर्डिनेटर बनाया है तो बेजती ना हो मेरी मैं मम्मी को भी देखूं वो मेरी मर्यादा है मेरा एक बहुत जरूरत है कि माँ का हम अनादर ना करें तो श्री माता जी की कृपा से हमने मम्मी का भी मतलब पूरा काम करके तब सेंटर जाते थे और जैसे सेंटर खत्म होता था जल्दी से सब काम करके आ जाते थे जब तक श्रीमादे जी की कृपा से ठीक रहती थी कुछ गड़बड़ी नहीं करती थी potty वगैरह करके मतलब सेंस थोड़ा कम हो गया था उनका इसलिए सब गंदगी फैला देती थी हां हां तो श्रीमादा जी की बहुत कृपा है और बहुत ज्यादा आशीर्वाद है हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है सहज का आ, लेकिन सास ससुर का सेवा के साथ साथ अपने बच्चों को भी ठीक से श्री माता जी ने माध्यम बनाया आ, आज बच्चे भी अच्छे हैं आपको पता है दोनों बाहर हैं बेटियां एक सहज मैरिज एक नॉन सहज लेकिन सब सहज में है पूरी फैमिली सहज में है आज श्री माता जी की कृपा से और एक और छोटा सा ऐसे तो बहुत ज्यादा है एक्सपीरियंस और अनुभव आपके भैया जी बहुत ड्रिंक करते थे आर्मी वाले जानते हैं आप कि ड्रिंक करते हैं लेकिन पांच साल माँ से हमने प्रे किया आगे। आगे। और श्री माता जी ने बिल्कुल छुड़ा दिया बिल्कुल टच नहीं करते हैं और श्री माता जी का बहुत अच्छा काम करते हैं सब माध्यम बने हैं मेन सेंटर का भी काम करते हैं तो श्री माता जी ऐसे सभी पे कृपा बनाए रखे बहुत सारे अनुभव होते हैं श्री माता जी के तो पर हर दिन पर अगर हम लोग अनुभव करें तो बहुत सारे और जी पे हमें भरोसा करना है और हम लोगों का काम तभी ठीक होता है जब हम लोग का ध्यान बढ़िया होता है और मैं तो इतना अच्छा ध्यान नहीं कर पाती हूँ लेकिन फिर भी जो भी करती हूँ उसमें श्री माता जी बहुत सारा काम करा लेती हैं घर का भी और थोड़ा बहुत आ, तो बहुत बहुत का भी तो धन्यवाद नहीं नहीं। जरा हमें हमें अपनी एक दिनचर्या बताइए दीदी क्योंकि आजकल का जीवन इतना ज्यादा तेज रफ्तार का हो गया है और जैसे हम जब हम दिल्ली में थे तो जब से ने इन आंटी लोगों से बात करते थे तो वो बताते थे कैसे घर का काम करना है सब देखना है तो उनका ध्यान जैसे जी का टेप लगा लिया और वो सुनते रहते थे और घर का हाँ। काम और सारा हाँ। कुछ जो करना था वो करते रहते थे आपका क्या किस तरीके से करते थे जरा मुझे जरा हम सब से शेयर करेंगे मैं तो बहुत नियम से नहीं कर पाती हूँ लेकिन सुबह उठकर मॉर्निंग मेडिटेशन करने के बाद अपना घर का काम करते हैं माँ का भजन लगा लेती हूँ माँ का भजन सुनते सुनते सारा काम करते हैं और उसके बाद पार्लर है आपको पता है और छोटी छोटी नेटवर्किंग का भी काम करती हूँ तो वो भी और सेंटर भी नहीं छोड़ता है हमारा ट्यूसडे सेंटर हमारा इंद्र नगर में होता है सैटरडे गोमती नगर होता है बाकी हम लोग को सहज का प्रचार प्रसार भी करना होता है तो उसके लिए भी श्री माता जी समय दे देती हैं और घर का भी काम करते हैं अपने ऊपर है अगर हम माँ पे भरोसा करते सब कुछ माँ करती है हम लोग कुछ नहीं करते हैं अगर हम लोग जुड़े रहते हैं माँ से तो सारा काम करवा लेती हैं और हस्बैंड भी कभी नहीं निराश होते कि हमें टाइम से खाना नहीं मिला सब कुछ हो जाता है और सब कुछ शिव माता जी समय दे देती हैं तो ज्यादा सहज का नॉलेज नहीं है लेकिन छोटा छोटा काम कर तो कर लेते हैं सही कहा आपने हमको ये याद आता है हम लोग भी जैसे बहुत सारा जब काम करना होता है तो श्री माता जी का भजन लगा लेते हैं और घर पे भी पापा मम्मी हमेशा उसको चलाते थे जैसे सुबह तो डेफिनेटली शाम को डेफिनेटली हाँ के पहले तो जिससे हाँ। एक 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 तरीके का माहौल बन जाता था आध्यात्मिक हाँ, तो अपने आप हाँ, ही कुंडलिनी जो है ऊपर चली जाती थी अभी भी ऐसा होता है हाँ, ये सारी सीख तो बहुत अच्छी श्री माता जी की ही कृपा है कि हम लोगों का जीवन इतना उन्होंने सरल सहज बना रखा है हमें जरा समय के हिसाब से बताइए और थोड़ी कुछ छोटी कहानी वगैरह बताइए जैसे किस तरीके से कब उठी कब क्या किया बच्चों को बाहर भेजना है कैसे क्या जरा बताइए पहले सरीके। तो बच्चे छोटे थे 2004 में मैं जुड़ी हो, और 2004 के बाद से मैंने कभी सेंटर मिस नहीं किया तो सुबह तो जल्दी उठकर ध्यान किया ध्यान करने के बाद बच्चों का जल्दी ब्रेकफास्ट देना है स्कूल गए स्कूल जाने के बाद फिर पापा जी भी थे मम्मी थी सबका ब्रेकफास्ट उसके बाद फिर अपना घर का काम करने के बाद पार्लर में पहले पार्लर में भी ज्यादा काम करती थी <laughs> तो समय मिल जाता था लेकिन सुबह और शाम का ध्यान कभी मिस नहीं किया हमने ना सेंटर बाढ़ आ गया था यहाँ गोमती नगर का नीचे का सेंटर पानी में था फिर भी सभी ने बोला कि अरे पानी भरा है तो कैसे आप जाएंगी तो हमने बोला अगर पानी ज्यादा भरा होगा तो देख ही जाएगी चल के देखते हैं लेकिन गए तो ऊपर ध्यान अच्छे से हुआ तो हमारा तो ये है। ये बाढ़ का काफी टाइम हो गया मेरे को 2004 के बाद अभी सन नहीं याद है लेकिन हाँ।, हाँ।, हाँ बहुत पानी था तो नीचे पूरा जो नीचे का हम लोग का पहले सेंटर चलता था बेसमेंट में तो पानी के वजह से पूरा मतलब काला हो गया था लेकिन सेंटर ऊपर होता था तो मेरा कहना है कि आंधी आए तूफान आए हमें ध्यान करना है सही है ये और शाम का शाम का भी फुटसोक ध्यान की हाँ। स्पीच चाहे मैं छोटा सुनू सुनती जरूर हूँ और पूरी कोशिश करती पर... जी सुबह शाम और मन होता है तो पार्लर में कोई नहीं है तो माँ की स्पीच लगा लेती हूँ और सुनती हूँ तो कुछ ना कुछ तो माँ उसमें आंसर देती हैं और हम लोगों को समझदारी के लिए भी कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है तो पूरी मैं जो अपना अनुभव है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो श्री जी ने बोला है मैं वही काम करूँ दूसरा आप कुछ भी बोलिए मैं सुनती नहीं जल्दी माँ की ही बात को सही मानती हूँ बस जो माँ ने अपने मुख से बोला है थी, वही थी, बात मैं करना चाहती हूँ और करती हूँ और अगर एक, कोई उसके विपरीत अगर कोई बोलता तो मैं बोल भी देती नहीं माँ ने ऐसे बोला मैं तो ऐसे ही करना चाहती हूँ एक उदाहरण देंगे <laughs> 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 बहुत सारे उदाहरण होते हैं। एक तो बताइए <laughs> अब जैसे कि शिमाता जी ने हमारा थोड़ा नेट गड़बड़ हो रहा लग रहा शिमाता जी का को जैसे सेंटर पे ही है कि अभी हम लोग माँ के सामने जाते हैं कुछ लोग होते हैं कि चले जाते हैं तो बहुत पुराने सहजो की लेकिन हमारा कहने का कि ये हम किसके सामने से हम जा रहे तो अपने को सिर झुकाकर थोड़ा सा हमें चलना चाहिए और और भी जैसे कि माने बहुत सारे अनुभव बताए हैं कितना अनुभव बताए है ना हाँ नहीं तो लेकिन नहीं। एक जरूरी है क्योंकि इस जी की कहानियां और उनके अनुभव तो सब हम लोग ना लिख सकते हैं ना रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि सही हर रोज हर क्षण श्री माता जी देखिए ना श्री माता जी ने मतलब मानव स्वरूप क्यों लिया हम लोगों को सिखाने के लिए बच्चे कैसे पैदा हुए कैसे बड़े हुए उनको बड़ा कैसे करना हमारी ड्यूटी कब कब है उनके साथ कितना समय पति को कितना समय देना सहज को भी समय देना जिससे हमारी सफाई हो हम आगे बढ़े तो बहुत सारी माने सीख दी है उतना हम लोग करते कहाँ है और श्री माता जी ने कितना सारा कितना मेहनत किया है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार पत्थर पथरीले जगह पे भी चलकर श्री माता जी ने प्रचार प्रसार किया लिंगा जाइए छिंदवाड़ा जाइए और भी गणपति पुले कहीं भी जाइए देखिए तो कैसे रास्ता है और हम लोग थोड़ा मतलब कष्ट ना करके ज्यादा से ज्यादा सहज का काम करें सहज का प्रचार प्रसार और पूरा कोशिश करें हम लोग जो भी सहज योगी बनाते हैं तो उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखें सही है। अपना एक परिवार बनाए कि ये नहीं कि रियलाइजेशन देकर छोड़ दिया नहीं सही उनके साथ बने रहे जो आ, मेरा अनुभव है शमांत जी की कृपा से और क्या बताऊं बस बहुत-बहुत <laughs> <laughs> धन्यवाद कि एक बहुत सहज रूप से क्योंकि यहाँ पश्चिम में जिंदगी और भी ज्यादा भाग दौड़ की है और उस तरीके से नहीं है जैसे भारत में होता है हमारे यहाँ एक समझते एक, एक आ, माहौल फर्क है तो इसलिए एक सहज रूप से हमने आपको मैसेज किया और आप इतने अच्छे से आज हमसे बात की हम सबसे अपने अनुभव आपने बांटे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री देव फिर बहुत मिलते हैं भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको ऐसे यंत्र बनाए रखे खूब ढेर सारा चैतन्य हर जगह फैलाए यही मासिव प्रेयर है बहुत-बहुत धन्यवाद है। क्योंकि लखनऊ बहुत करीब है लखनऊ में हम पैदा तो हम कलकत्ता के हैं लेकिन पापा मम्मी आपको पता है लखनऊ के हैं लखनऊ में ही हम बड़े हुए पढ़े लिखे और लखनऊ से क्योंकि श्री마தர் जी ने जो मकान पहला है मां का हां माँ का ससुराल है और ससुराल है तो इसलिए और माँ का घर भी निराला गंद है।, है हाँ <laughs> और हम लोग बचपन में वहीं थे हम लोग हैं जो है सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है उसी के बगल में रहते थे हम लोग और श्री माता जी के घर के कितने पास थे मतलब और हाँ। आपको बताएं जो डॉक्टर अवधेश नारायण थे वो हम लोगों के परिवार के डॉक्टर थे क्योंकि हम और शलेश तब जब छोटे थे हमारा भाई शलेश तो जब मम्मी हम लोग को ले जाती थी उन्हीं के यहाँ तो ये है, तो है, बाद में सहेज में आने के बाद पता चला कि श्री माता जी ने जब वो मकान बनवाया तो उन्हीं डॉक्टर अवधेश नारायण के घर कमरे में रुकी थी और किस तरीके से मनीष्री माता जी हम लोग को अपने अम्म मोती की तरह जैसे चुन करके रखती हैं तो उस समय कोई अभास नहीं था लेकिन अब पता चलता है तो कितना अच्छा लगता है और एक श्रीवास्तव अंकल थे उन्हीं ने हम हम और हमारे शंकर जी हम लोग एक बार आए थे जैसे हर साल आते हैं घर पे तो हा, बात हा, हो रही थी पापा आ, मम्मी अंकल आंटी की तो ये माता जी के घर की बात हुई और उन्होंने वो अम्म इंतजाम किया कि वो जानते थे जो 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 उस घर में रहते हैं आजकल आ, हाँ, अब ये तो कई साल हाँ. पहले की बात हो गई है मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो दो हजार चौदह की तो होगी तेरह चौदह की हो सकती है तो आ, तब की बात है तब अंकल ने इंतजाम किया तो हम लोग गए थे वो उस घर देखने जो श्री माता जी ने बनवाया था हाँ. और उस घर में तीन नीम के पेड़ जो उन्होंने लगाए थे तब हाँ। तो वो अभी भी लगे हुए हैं और जो रहते हैं उनसे हम लोगों ने पूछा क्योंकि हम लोगों की एक इच्छा थी कि ये भी सहज आश्रम हो तो बहुत अच्छा रहेगा किंतु आप सब की इच्छा होगी तो हो जाएगा वो होगा समय की बात है लेकिन वो जो थे अंकल जी वो बोले कि ये इतना शुभ घर है कोई बेवकूफी बेचेगा क्योंकि हम इसमें जब से हैं ना हमको कोई बीमारी है ना कुछ तो वो सहजयोगी भी नहीं है लेकिन उनको मालूम है मां की महिमा और उस स्थान की विशेषता तो बहुत ही अच्छा अच्छा अनुभव है और इसलिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आप आए क्योंकि लोग आए अपना अनुभव सबके साथ बांटे सिर्फ हम लोग सहयोगियों में नहीं बाकी और लोगों में भी तभी पता चलेगा श्री माता जी की महिमा कितनी महान है और इस शारदीय नवरात्र में क्योंकि आपको आत्म साक्षात्कार मिला इस समय और कितने अच्छे रूप से हम लोग लगता हूं, मैं इसको मनाते हैं और बहुत नौ दिन का व्रत पूरा करते थे और कुछ भी नहीं खाते थे हाँ पहले और अब आप... और आज अब तो याद भी नहीं रहता किस दिन पूर्णिमा है किस दिन अमावस्या जल्दी खाने से ही <laughs> फुर्सत नहीं होती खाना है और काम करना है <laughs> और ध्यान करना है हां yeah. <laughs> सही है <laughs> हां बहुत-बहुत अच्छा लगा सावित्री जी दी, आपने समय निकाला बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत और श्री माता जी की कृपा है हम लोगों पर कि उन्होंने ये सब किया हाँ ऐसे ही काम करते रहिए जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी